में सीएम के पॉजिटिव होने से मुजफ्फरपुर में हड़कंप। खादी मेला में घूमे तो कई जनप्रतिनिधि भी थे मौजूद, अब सता रहा कोरोना का डर। मुजफ्फरपुर शहर को सैनिटाइज करने की याद आ गई, युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू। मेयर ने बनाई चार टीम, काउंटर लगाकर कोरोना जांच कराने की मांग की। नालंदा के निजी क्लिनिक ने एक शव को किया रेफर, मृतका के पिता बोले प्रसव के दौरान हुई मौत पर भी हालत गंभीर बता, बिहार शरीफ भेजा। मौसम विभाग का अलर्ट, घर में रहे पटना समेत पूरा बिहार 7 जनवरी तक कोल्ड डे की चपेट में। पटना में बड़ी मंडी पर कोरोना की मार, दुकानदारों को रुपए फंस जाने का डर, स्टेशनरी के ज्यादातर ऑर्डर कैंसिल। नालंदा के बाजार समिति में लगी आग, 25 दुकानें जली, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धीरे धीरे 25 दुकानें चपेट में आई, 50 लाख का नुकसान। बांका में युवक का मर्डर, नशे में घर में घुसकर पाटीदार करने लगे गाली गलौज, विरोध करने पर हथौड़े से सिर पर वार कर मार डाला। बिहार में सीएम हाउस में पहुंचा कोरोना सुरक्षा कर्मी स्टाफ संक्रमित, पिछली बार बीजेपी में हुआ था विस्फोट, इस बार जेडीयू समेत 4 मंत्री हुए संक्रमित। दूसरों घरों में झाड़ू पोछा करती थी अब फेमस गायिका, चिलम वाला गाना गाकर सुर्खियों में। मुजफ्फरपुर की इंदु सीएम के अभियान में भी गा चुकी हैं। घूसखोर राजस्व कर्मी से परेशान थी मुसहरी की जनता, डीएम से लेकर प्रधान सचिव तक हुई थी शिकायत, मोटी रकम लेकर काटता था जमीन का रसीद। बिहार स्टेट सॉकर लीग, मोतिहारी ने बिहार यूनाइटेड को 30-0 से दी करारी शिकस्त, अगला मैच कोरोना के कारण कैंसिल। एंटीजन जांच में पॉजिटिव, आरटीपीसीआर में नेगेटिव, एसकेएमसीएच भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने पर लगा पता, 30 में से 28 की रिपोर्ट नेगेटिव। 10 जनवरी तक आएगा पीओ के थर्ड पार्ट का रिजल्ट, रिजल्ट आने के बाद पीजी में नामांकन के लिए आवेदन, 9175 सीटें खाली। पटना में किराना दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, किराना सामान जल कर राख। एक्स डीजीपी ने गाया दारू पियाबा सब कुछ खत्म हो जाए, पहले ड्यूटी या प्रवचन से शराब का नुकसान बता रहे, कथा के दौरान भोजपुरी में गाया गाना। बिहार में शिक्षक बहाली पर पाबंदी नहीं लगेगी, शिक्षा मंत्री ने कहा कोरोना पाबंदियों का असर नियोजन पर नहीं पड़ेगा, नियुक्ति पत्र समय से देंगे। वैशाली में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, सुबह शौच के लिए ट्रैक किनारे गया था युवक, कोहरे के कारण ट्रेन की चपेट में आकर गई जान। राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति के लिए 23 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन, 27 फरवरी को होगा एग्जाम, 1 लाख स्टूडेंट्स को 12वीं तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप। आरजेडी ने कहा जाति जनगणना के लिए नीतीश बनाए रूपरेखा, महागठबंधन को बताया साथ, जेडीयू ने कहा जगदा बाबू अपने बड़े नेताओं के मुकदमों की चिंता करें। नेपाल में युवक की सीतामढ़ी में हत्या कर शव फेंका, बोरे में बंद मिला शव, पुलिस ने संदेह के आधार पर पूर्वी चंपारण के युवक को किया गिरफ्तार। डॉक्टरों पर तीसरी लहर की मार, 1000 से अधिक हुए संक्रमित, दिल्ली मुंबई पटना हर तरफ कोहराम। जिले में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, विभाग का दावा दूसरी लहर से सबक मिला, इंतजाम दुरुस्त, हकीकत 147 संक्रमित में किसी को न दवा दी न किट दिया। हर मास के बाद नीतीश का साथ देंगे, तेजस्वी आरजेडी ने कहा बीजेपी का साथ छोड़े नीतीश, हम आपके साथ हैं। दीवान में सफाई कर्मियों ने सड़क पर फेंका कचरा, 7 दिनों से हड़ताल पर है निजी मजदूरों से सफाई करवाने पर भड़के, FIR दर्ज। बंधुआ मंदिर लेकिन मिलेगा प्रसाद, आज से ऑनलाइन दर्शन देंगे महावीर, नैवेद्यम के काउंटर रहेंगे खुले। जमुई में वैक्सीन लेने आए किशोर पॉजिटिव होने पर केंद्र से भागा वैक्सीनेशन सेंटर पर, एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट से संक्रमित मिला, अब हेल्थ टीम कर रही तलाश। बिहार में सभी खेल प्रतियोगिताएं कैंसिल, सरकार ने राज्य में सभी खेल गतिविधियों पर लगाई रोक, आयोजन से लेकर प्रशिक्षण तक पर रोक। डॉक्टरों को लेकर भावुक हुए क्वारंटाइन नमाजी, कहा दूसरी लहर में मारे गए स्वास्थ्य कर्मियों को मिले शहीद का दर्जा। मास्क नहीं लगाया तो करनी पड़ी उठक बैठक, पटना की ठंड में लोगों का छूटा पसीना, मास्क नहीं लगाने वालों से कराई 5 बार उठक बैठक। पूर्णिया में दिनदहाड़े युवक का मर्डर, बदमाशों ने कमर और सिर में मारी गोली, मंत्री लेशी सिंह के भतीजे पर हत्या का आरोप। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।